क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा गुप्ता। श्रद्धा, क्या मामला है? किस मामले में तुम यहाँ आई हो? सर, ये जो मैटर हुआ है ये सॉल्व करने का है। नहीं, एक लाश मिली थी, परिजनों ने उसको बताया था कि तुम्हारी लाश है। तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन कहाँ रही? सर, मैं महाराष्ट्र में थी। किसके साथ? सर, सिंगल ही थी वैसे, जॉब कर रही थी और एक फ्रेंड है, अभी उसके साथ रह रही। नहीं तो बिना बताए महाराष्ट्र क्यों गई थी? सर, मेरे हस्बैंड से थोड़ा तंग आ चुकी थी इसलिए। नहीं, आपके हस्बैंड ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा दिया, 14 महीना वो जेल रहा। एक बॉडी मिली थी, उसमें उन्होंने शिनाख्त करी कि वो जो है आपकी बॉडी है। सर, ये मुझे पता चला था, पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये मुझे नहीं मालूम। नहीं पता चला उसके बाद क्यों नहीं? एक निर्दोष व्यक्ति 14 महीने तक की जेल रहा आपकी वजह से। आप सर, मैं आना नहीं चाहती थी, पर मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आई तो सर लोगों ने पकड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे आई। मैं आना नहीं चाहती थी, मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आ रही थी, मुझे थोड़ा काम था, तो सर लोगों ने पकड़ा इसलिए। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति जो है कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, 14 महीने जेल में रहा वो है? लगता है सर, पर कहाँ से पकड़ा तुमने? सर, मुझे स्टेशन से पकड़ा। स्टेशन कौन सा? कानपुर। आसीवन पुलिस के द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2018 में एक विवाहित महिला कहीं चली गई थी और उस संबंध में एक NCR उसके पति के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक अभियुक्त प्रमोद वर्मा के ऊपर आरोप लगाया था कि उसी के द्वारा उसको अपहरण करके कुछ घटनाकारी की गई है। एक महीने के बाद एक डेड बॉडी आसीवन क्षेत्र में मिली थी और जो विवाहिता है उसके घर वालों के द्वारा उसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में पति और सास के द्वारा की गई। उसी के आधार पर आसीवन थाने में 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रमोद वर्मा को जेल भेजा गया था। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा DNA मैचिंग के लिए भेजा गया था परिवार वालों का और जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उनका DNA मैच करने के लिए भेजा गया था। DNA रिपोर्ट 2020 में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर DNA में मिसमैच पाया गया, तो इस प्रकरण को फिर से पुलिस के द्वारा रीओपन करके और गहराई से इसकी विवेचना की गई और जांच में यह पाया गया कि महिला जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में रह रही है। यह भी तथ्य उससे पूछताछ में संज्ञान में आए कि घटना के तुरंत बाद वो पुणे चली गई थी, जहां पे एक महिला उसको मिली, उसके साथ वो अहमदनगर चली गई और वहां पे एक हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी। पुलिस के द्वारा उस विवाहित महिला को बरामद किया गया है, उसका 164 का स्टेटमेंट कराया जा रहा है। पूर्व में जो अभियुक्त प्रमोद वर्मा को इसमें जेल भेजा गया था, इसका 169 का रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और पूर्व की जो डेड बॉडी एक जो बरामद हुई थी उसकी शिनाख्त के लिए और प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से और पुलिस के परिश्रम और एफर्ट की वजह से जो महिला चली गई थी वो बरामद हुई है और एक तरह से जिनके ऊपर आरोप लगा था, नेम्ड एक्यूज थे, जो अब तक 14 महीना जेल में रह के भी वापस आए हैं, उनको बेल दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उसमें भी उनको भी उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से उनके साथ भी जो है न्याय हो रहा है और पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। केवल इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक टूल्स के माध्यम से ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। सर, जिस टीम ने ये कार्य किया है, मुंबई से बरामद किया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये टीम का बड़ा परिश्रम का काम था और इसके लिए मेरे द्वारा इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है और इनका इनको एप्रिसिएशन लेटर के लिए भी जो है लिखा जाएगा।